बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। वज़ाइफ़ के मुकद्दस सिलसिले के साथ हाज़िर ख़िदमत है। नाज़रीन किराम, कुरान हकीम की मुख्तलिफ सूरतों के मुजर्रबात और फ़वाइद आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप आज सूरतुल दुहा के मुजर्रबात आपके सामने पेश करने लगे हैं। इंसान बुलक्खड़ है और कहा जाता है ये निसियान से निकला है, भूल जाने वाला। और कुरान हकीम हमारा कहता है कि वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाहा फअनसाहुम अनफुसहुम, लोगों उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया और अल्लाह ने उनसे फिर उनका अपना आप भुला दिया। उन्हें अपने तख्लीक के मकासद भी भूल गए और वो राह गुम करदा हो गए। लेकिन इंसानी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ कहीं रखी हो और भूल जाए और याद ना आ रही हो तो सूरतुल दुहा की तिलावत करें, परवरदिगार आलम आपको वो भूली हुई चीज़ याद दिला देगा। इसी तरह अगर कोई गुमशुदा या मफरूर हो और उस तो चाहते हों कि वो वापस आ जाए तो 500 बार इस सूरा व दुहा की तिलावत कर लें। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह इस सूरतुल दुहा की बरकत से वो मफरूर या गुमशुदा वापस आ जाएगा। मज़ीद रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर मौजूद फ़ोन नंबर के ज़रिए आप हमसे राबता कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया।